देखो, मैं नवीद कसूरा आपसे मुखातिब। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हमें बुक्स नहीं मिल रही, बुक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हमें बुक्स के बारे में बताएं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पीडीएफ तो मेरे पास मौजूद है नहीं, वीडियो के हिसाब से मैंने आपको जस्ट टॉपिक्स बताने हैं और बुक्स का जो अंदर का इंट्रोडक्शन है वो दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये है मेडिकल लैब मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी इन अकॉर्डेंस द वे सर्कुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, आल्सो पंजाब मेडिकल फैकल्टी एंड अदर मेडिकल फैकल्टीज आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये FSC इन मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए है। ये जो इसके राइटर हैं बाय तस्नीम आलम है और दनियाल के है। तो इसका जो आपका अंदर का एरिया आपको बताऊँ, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। वैसे ये तो इसकी प्राइस देखा जाए तो 1200 लिखी हुई है। उसके अलावा आप देखें, ये आपको पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, कंटेंट जो हैं कोड द कंडक्ट, सेफ्टी मेजरमेंट, लेबॉरेटरीज, स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्लिनिकल। तो आप ये चीज़ें आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो इन टॉपिक्स को आप गूगल पर डाल लें। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपने जानना है, इम्यूनोलॉजी के बारे में जानना है, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जानना है, तो मलेरिया के बारे में जानना है, तो इसका ये देखें सर्टिलाइजेशन के बारे में, फॉर्मेशन ब्लड सेफ्टी, ब्लड सेल्स, मलेरिया एग्जामिनेशन, ट्यूबरक्लोसिस, स्पेंटम, इस तरह के जितने भी हैं ये उस तरह का दे सकते हैं। लेबॉरेटरी मैनेजमेंट क्लिनिकल पैथोलॉजी इसका पहला पेज है। मैं आपको पूरी बुक तो नहीं दिखाऊंगा, कुछ कुछ जो आपको टॉपिक हैं, स्पेंटम एग्जामिनेशन, स्टूल एनालिसिस, यानी कितने भी टेस्ट होते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल है, लीवर फंक्शन है, टेस्ट है, तो उन तमाम के टेस्ट इस टॉपिक के हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और उसके अलावा अगर टेस्टों के बाद आपकी बात की जाए तो इसकी कोड ऑफ कंडक्ट, सेफ्टी मेजरमेंट, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स, ये चीज़ें हैं। ये जस्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है, कुछ लोगों को बुक्स मिल नहीं रही, बुक्स को टॉपिक नहीं मिल रहे। उसके बाद आप ये देखें वेटिंग स्केल्स, एनालिटिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रिपोर्टिंग लेबॉरेटरीज। बाकी इसका जो सिलेबस है उसके हवाले से मैंने आपको बताया हुआ है। इम्यूनोलॉजी डायग्नोसिस, ये चीज़ें आप देख रहे हैं। इसका भी पेपर पैटर्न नहीं आया, पेपर पैटर्न की बात करें तो किस तरह पेपर लिया जाएगा, इसका भी पेपर पैटर्न नहीं आया, जस्ट ये बताया गया है नॉर्मल वैल्यूज, सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट्स, फिजिकल रिपोर्टिंग, राइटिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी के हवाले से है, CSF एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, लीवर फंक्शन टेस्ट के हवाले से है, एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ के हवाले से है, लिस्ट प्रैक्टिकल के हवाले से है, तो लेबॉरेटरी डिग्नोजिस के हवाले से, अपना कॉमन पैरासेटिक्स डिजीज़ के हवाले से, यानी कि लैब के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं या जो जो जिस जिसके ऑर्गन्स होते हैं उसके हवाले से पढ़ाया गया है, फर्स्ट एड के हवाले से बच्चों को आगाह किया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो लेबॉरेटरी की बुक्स आपको इस वक्त ये अंदर उसके जो जरासीम वगैरह होते हैं या माइक्रोस्कोप से आप शो होते हैं, तो उन चीज़ों के हवाले से आपको आगाह किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।